देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तमाम किस्से मशहूर हैं। हमने कई बार आपको कई अनसुने किस्से सुनाए हैं। आज आपको इंदिरा गांधी का वो किस्सा सुनाएंगे जब इंदिरा गांधी ने अपने कमरे में नमाज पढ़ी थी। उस दौर में इंदिरा गांधी से मिलने कई मौलाना और बाबा आया करते थे। चलिए विस्तार से आपको वो किस्सा सुनाते हैं। दरअसल आर के धवन यानी राजेंद्र कुमार धवन इंदिरा गांधी के बेहद खास लोगों में से एक थे। गांधी नेहरू परिवार के वफादार आर के धवन 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के स्टेनोटाइपिस्ट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह इंदिरा गांधी के बेहद करीबी लोगों में से एक हो गए। आर के धवन के एक इशारे पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बदल जाया करते। एक तरह से आर के धवन इंदिरा गांधी के दूत बन चुके थे। इंदिरा गांधी कोई भी फैसला खुद नहीं सुनाती बल्कि आर के धवन से कहलवाती थी। इतना ही नहीं, वह धवन के सलाह को भी काफी गंभीरता से लेती थी। एक बार की बात है जब आर के धवन की सलाह पर इंदिरा गांधी ने नमाज पढ़ी थी। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने अपनी किताब लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स में इस कहानी को विस्तार से लिखा है। यह किस्सा जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का है। इमरजेंसी के बाद सत्ता से बाहर हो चुकी इंदिरा गांधी वापसी के लिए चुनावी मैदान में जो राजमाइश कर रही थी। आर के धवन इंदिरा गांधी को सांत्वना देने के लिए कई गुरुओं, मौलवियों, बाबाओं और मुनियों को बुलाया करते। एक दिन धवन के बुलाने पर मेवाती मौलवी जमील इलियासी इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे। मौलवी इलियासी नई दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक मस्जिद में मौलवी थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की भारी जीत होगी, बशर्ते उन्हें एक बार इंदिरा के बेडरूम में जाने की इजाजत दी जाए। इस अजीब मांग को भी धवन ने मंजूरी दे दी। मौलवी इलियासी इंदिरा गांधी के बेडरूम में गए और कमरे की छत पर ताबीज बांधी। इसके बाद मौलाना ने निर्देश दिया कि 350 लोकसभा सीटें जीतने के बाद उन्हें तुरंत बुलाया जाए। चुनाव के नतीजे आए तो मौलाना इलियासी की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 353 सीटों पर जीत हासिल की। प्रचंड जीत के बाद इंदिरा गांधी मौलाना और उनके ताबीज को भूल गई। जनवरी में चुनावी नतीजे आए तो जून की तारीख 23 को उनके बेटे संजय गांधी की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद इंदिरा गांधी भावात्मक तौर पर टूट गई। फिर धवन के सलाह पर मौलवी इलियासी इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और रोते हुए पूछा कि उन्हें उस शक्तिशाली ताबीज को हटाने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। मौलवी ने दावा किया कि उससे ही इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इलियासी ने इंदिरा गांधी को गलती सुधारने के लिए नमाज पढ़ने के लिए कहा। इंदिरा ने कहा कि उन्हें नमाज अदा करने नहीं आता है, तो इलियासी ने कहा कि वह उन्हें बता देंगे। इंदिरा गांधी को थोड़ा संकोच हुआ तो आर के धवन ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने नमाज पढ़ी। वही संजय गांधी की मौत से ठीक एक दिन पहले 22 जून को इंदिरा गांधी चामुंडा देवी मंदिर जाने वाली थी। मंदिर में तैयारियां पूरी थी, लेकिन 20 जून को इंदिरा गांधी का कार्यक्रम रद्द हो गया। इंदिरा गांधी के नहीं आने से पुजारी बेहद नाराज हो गए और गुस्से में आ गए। गुस्से में पुजारी ने कहा कि आप इंदिरा गांधी से कहिए, यह चामुंडा है, यदि कोई साधारण प्राणी नहीं आ सकेगा तो मांग क्षमा कर देंगी, लेकिन यदि शासक अपमान करेगा तो देवी माफ नहीं करेंगी। पुजारी ने कहा कि इंदिरा गांधी एक दिन रोते हुए यहाँ आएंगी। हुआ भी वही, संजय गांधी की मौत से ठीक एक महीने बाद इंदिरा गांधी रोते हुए चामुंडा देवी मंदिर पहुंची। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।